ये हाथ का चालू होने वाली है। बहुत ठंडा पानी है, काफी ज्यादा ठंडा पानी है, हाथ कांपड़े, पर मजा बहुत आ रहा है। आजा तुझे व्लॉग में ले आओ, घूम, लोगों को दिखा हमने क्या क्या झेला है। ये हमारी वाटर प्रूफिंग सस्ती वाली, हालांकि हमने 30 रुपए वाले रेनकोट रखे हुए जो हमारे रास्ते में काम आने वाले, और अभी हम कावर खरीदेंगे और चार पानी की बोतलें उनको भरेंगे, और मैं अपना बैग उठाता हूँ और यहाँ से निकलते हैं। भूल तो नहीं रहा है ना, उधर है ना मेन रोड, कावड़ लेना है ना। अभी हम खरीदने आए हैं कावर, छोटा सुंदर टिकाऊ जो हमारे बस का हो, 200 किलोमीटर हम आराम से लेके जा सके। देखते खरीदते हैं। What is up YouTube, this is Deepak Yadav and welcome back to another vlog। जस्ट अभी रियलाइज किया मैंने कि मैंने तो इंट्रो बोला ही नहीं, और ये पहला दिन शुरू हो चुका है हमारी वॉक का। आज है 8 जुलाई और ये हमने कावड़ खरीदा है, बहुत सुंदर है। इसमें लाइट भी लगवा ली बाद में 50 रुपये में, बहुत अच्छी लाइट लगवाई है। और ये अभी बाकी शिव जी की फोटो है, इसको भी अभी हम इस पर लगाने वाले हैं कांवड़ पे। बम बम बोले, एक तो जैसे तैसे बैग को वाटर प्रूफ करके हम जुगाड़ करके चल रहे हैं। हाँ, पहला दिन ही वो दीपक जल भरने गया है और भर के आएगा, फिर हम अपने कावड़ में रखेंगे। चार बोतल लाए थे, तीन बोतल के मैंने ढक्कन के अंदर का वो व्हाइट वाला कैप होता है ना छोटा, वो चेक किया था, तीनों में था, तो मैंने सोचा चौथे में भी होगा, और चौथे में कैप नहीं है। नहीं जो मैंने चेक नहीं किया उसी में नहीं है, पता एक में नहीं है। जैसे कहते हैं बैड लक इन 200, नहीं गिर रहेगा ऐसा लगा, देख हाँ इस तरीके से ना इधर घुमा दियो, तो एक साइड दोनों साइड से किसी भी साइड से। अरे बढ़िया लग रही है कावड़। ले लिया बोले, पहला शुभ अवसर पवन को मिला है कावड़ को दिल्ली की तरफ लेके जाने की। और यहाँ पे नदी का बहाव आप देख सकते हो कितना तेज है, और ना अभी बहुत बहुत पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, अमेजिंग, भव्य
सब फील हो रहा है मेरे को। तो ऐसे हाँ झुका के निकालना पड़ेगा। रास्ता भी पूछो। हाँ अभी पूछता हूँ। बोले नीचे 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 बोले नीचे करके बोले बोले। हाँ और ये ब्रिज हमने क्रॉस कर लिया, पता नहीं कब कहाँ ब्लॉक कर पाऊंगा। बारिश हो रही है, भीग रहे, हालत खराब हो गई है। पर बोलो शंकर भगवान की जय। जय दोस्तों, ये रही हमारी कावड़। थोड़ी सी ही दूरी कवर की है हमने। शुरू में हम नंगे पांव निकले थे, बहुत शाने बन रहे थे। हमने ये झुमके खरीदे हैं, इसको क्या बोलते हैं पवन? घुंघरू। मैं गलती से झुमका बोल दिया, पता नहीं था मेरे को, मैं पागल हो गया। थोड़ी सी दूर चलाओ, मेरी हालत ख़राब हो गई है थक के। और ये मैंने अपना कपड़ा बनाया है गमछे को। अभी इधर हम चाय पीने के लिए रुके हैं। और ये घुंघरू है, झुमका नहीं है, झुमका कान वाला होता है। ढाई घंटे में हम 5 किलोमीटर चले हैं बस, यहाँ 5 किलोमीटर तक आए। ढाई घंटे में हम 5 किलोमीटर चले। चलो 9 बजे मान लो, 9 मान लो, लेकिन हम फास्ट चल रहे कंटिन्यूसली, तो नहीं उतना भी कम नहीं चले, अच्छा खासा चले, कम टाइम में ज़्यादा चले। आधे घंटे का है चल के, चल के आधे घंटे में आए हम। आपको क्या पता होगा, टाइमिंग का कुछ पता नहीं। बारिश हो रही है, फ़ोन निकालने को नहीं मिल रहा, पता नहीं किस किस का मैसेज और मिस कॉल वगैरह फ़ोन में रखा होगा, और फ़ोन भीग भी गया शायद। रेनकोट तो बाद में डाला ना बैग पे। आधे रास्ते तो 5 किलो वाली पन्नी चिपका करके चल रहे थे हम, भीग भी गया होगा। चलो अभी देखते हैं। ये जो रास्ता है, ये पूरा रास्ता नदी के साथ जाता है, पतला रास्ता। तो पुलिस वाले चाहते हैं कि सब लोग इधर से ही जाएं। और ऊपर हाईवे वाला रास्ता है, जहाँ पे हमें शिविर मिल जाएगी, आराम करने को मिल जाएगा, चार्जिंग पॉइंट भी होता है ना उसमें, फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। तो हमने डिसाइड किया इधर पीछे से शॉर्टकट मारेंगे, बाहर निकल के हाईवे वाले रास्ते से जाएगी और चार्ज वार्ज कर लेंगे फ़ोन को थोड़ा, और ब्लॉग अपलोड कर दूंगा मैं पिछला वाला, जो शायद आप देख चुके होंगे। गिर जाऊंगा। तो लास्ट टेक के बाद अभी हम थोड़ी दूर आ चुके हैं, 10 मिनट या 5 मिनट वॉक किए हैं हमने लगभग, और हम एक्चुअली में वहाँ से रोड क्रॉस करके हाईवे वाली साइड आ गए। ऊपर हाईवे पे भी शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, कांवड़ लेके चल रहे हैं और हमारे आगे भी चल रहे हैं और हम भी चल रहे हैं। कुछ दूरी बाद ये पवन ले लेगा कांवड़ को, फिर कुछ दूरी बाद मैं ले लूँगा कांवड़, और ऐसे ही करते करते शेयरिंग इज केयरिंग, भोले बाबा है साथ तो टेंशन की क्या बात। एक शिविर मिले ना तो हम रेस्ट ले और फ़ोन चार्ज करे और मैं ब्लॉग एडिट करके अपलोड करूँ। रात के 12 बज चुके हैं और हम पहुंच गए हैं। मैप खोलने के लिए नेट नहीं है, दूसरे फ़ोन में है, इस पर पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। सब्जी मंडी चौक बहारदाबाद ज्वालापुर हरिद्वार उत्तराखंड। ज्वालापुर कितना था? 5 किलोमीटर हरिद्वार से ज्वालापुर।
चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के बच। पैरों की हालत खराब हो गई है गाइस। हाँ रख, अब यहाँ पे हम 5-10 मिनट के लिए रुकने वाले हैं या 15 मिनट भी। हम रुके हैं इस पेट्रोल पंप के पास, वॉशरूम ढूंढ रहे हैं ताकि थोड़ा दिल को करार मिले हमारे। और इधर सभी कांवड़ यात्री या फिर कह सकते हैं भोला, यहाँ पर रेस्ट ले रहे हैं। अरे हाँ, मैंने बताया ही नहीं, तो जितने भी लोग कांवड़ यात्रा करते हैं वो आपस में एक दूसरे को भोला बोल के बुलाते हैं, या तो डायरेक्ट भोला या भोले, या फिर पवन भोला, दीपक भोला, इस तरह से। और कई सारे रूल्स होते हैं इसके, जो कि आपको शायद मैं अगले व्लॉग में बताऊंगा, या फिर कहीं सही कंडीशन हुई तो बताऊंगा, क्योंकि आईफोन में बैटरी नहीं है, दूसरे फ़ोन में बैटरी नहीं है। बैग की हालत देखो, पूरा भीग चुका है, इसका बैग पूरा भीग चुका है। हमारे पास अंडरवियर भी नहीं है दूसरी पहनने के लिए, पूरे भीग चुके हैं हम लोग। और बैग के अंदर क्या बचा है सूखा हुआ हमें पता भी नहीं है, हमने बैग खोल के चेक नहीं किया। वो तो आईफोन पानी में उतना इफेक्ट नहीं पड़ता आईफोन पे, तो इस बात का फ़ायदा हो रहा है, जहाँ पन्नी मिलती है पन्नी लेके जेब में आईफोन को रख लेता हूँ, फिर व्लॉग करता हूँ। अभी तो बहुत तगड़ी बारिश हो गई थी ना, कितनी तगड़ी बारिश हो गई थी, इसकी शक्ल देखो। हाँ आप अंदाज़ा लगा लो कितनी तगड़ी हुई थी, तो वो बैग के आर पार हो गया होगा पानी, ये वाटर रेनकोट इसको बचा नहीं पाया होगा। घूम ना, हाँ ये रेनकोट क्या बोला, ये रेनकोट बचा नहीं पाया होगा अंदर की चीज़ों को, पर ठीक है। और हाँ, जो सारे रूल्स हैं शायद मैं बताऊंगा आपको अगले व्लॉग में, क्योंकि ये व्लॉग शायद मैं ख़त्म कर दूँ कभी भी कहीं भी। तो गाइस ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ना, इसके अंदर बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों को जगह मिली सोने की, और वहाँ पे हमारा कावड़ है पवन, अभी वहाँ पे बैठा हुआ है। और मैं यहाँ पे खाने आया हूँ, मैं खाऊंगा और फिर उसको जाके भेज दूंगा, दो दो मिनट में हमें निपटाना होगा, क्योंकि और कहीं पे भी यहाँ पे क्या कहते हैं शिविर नहीं है, शिविर यहाँ से काफ़ी दूर है और हमारे कपड़े गीले हैं, तो हमारे लिए रुकना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हम रुक करके थोड़ा सा कपड़े भी सुखा ले और चेंज भी कर ले, क्योंकि गीले कपड़ों के साथ ज़्यादा देर वॉक करेंगे तो बीमार भी पड़ जाएगी और बाकी प्रॉब्लम्स आपको पता ही होगी। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, 8 तारीख का वॉक ख़त्म होता है, अब कल जब सुबह वॉक स्टार्ट होगा तो 9 तारीख का, मतलब 9 तारीख के दिन का, तो वो ब्लॉग आप देखोगे। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं।